बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भाई रिएक्ट प्लस मटेरियल यूआई हम किस तरह यूज करते हैं, मटेरियल यूआई को किस तरह जो है वो रिएक्ट में यूज किया जाता है। इसी तरह इस वीडियो में आपको जो है वो नैव बार सिखाऊंगा, भाई इसका जो नैव बार हम किस तरह यूज करते हैं, इसमें किस तरह हम चीजें लिख सकते हैं। अब ये मैंने नैव बार बनाया ये मटेरियल यूआई की मदद से ना, ठीक है। तो क्या होता है मटेरियल यूआई, किस तरह यूज करते हैं इसको, हम किस तरह इम्पोर्ट करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट में, तो चलिए मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ उसको ना। सर पहले हम जो है अपने फोल्डर में चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो वीएस कोड को आप ओपन कर लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फोल्डर आप खोलना चाहें फोन है आपको, वीएस कोड में ओपन कर लें आप उसको, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो वो टर्मिनल खोलेंगे आप, ठीक है। टर्मिनल जैसे ही आपने यहाँ पर खोला, यहाँ पर आप लिखें एनपीएस। अभी हमने जो वो क्या करना पड़ेगा, अभी हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं आप ना, मैं कहता मैं देता हूँ माई ऐप के, देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिएक्ट, ठीक है ये मैं दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी, रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब रिएक्ट एप्लीकेशन को मैं जो है वो किस तरह मैं इसको यूज करूँ ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर एरर दे रहा है, मैं जरा इसको उठाकर माई कैपिटल माई ऐप देता हूँ, कैपिटल नहीं दे सकते, माई ऐप दे देता हूँ। तो उसका जो आप इसके अगर वेबसाइट में जाए तो वो इसके वेबसाइट में इसी तरह जो वो लिखा हुआ है कि एनपीएस करिए रिएक्ट ऐप माई ऐप, ठीक है। तो इस पर हमें किस तरह हम यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है वो मटेरियल यूआई का यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मटेरियल मटेरियल यूआई, आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप जो है वो उसको क्लिक कर देंगे, काफी आसान है, इतना मुश्किल नहीं। देखिए पहला क्या है, हमने एनपी इंस्टॉल करना है मटेरियल यू आई है, एम फॉर मटेरियल यू आई, ठीक है। फिर मटेरियल इमोशन वगैरह सब जो हम जो है वो यहाँ पर कॉपी करेंगे सीधा, और सीधा आकर हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी ज़रा ये इंस्टॉल हो जाए यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है उसको जो यूज़ करेंगे, अब ये आपके नेट के स्पीड पर होता है कि कितना जो है वो आपका जो है वो नेट चलेगा। तो इसी तरह ये आपने इसको पहले कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है। जैसे आप गेट स्टार्टेड करें तो इस तरह वो ओवरव्यू आ जाएगा, इंट्रोडक्शन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह इंस्टॉलेशन आप करनी है तो आप इंस्टॉलेशन में जाएं, आप सीधा यहाँ पर भी सारा लिखा हुआ है आपने। अच्छा आपने जो वो यौन चलाना चाहते हैं तो इससे भी चला सकते हैं, यहाँ पर एनपीएम। अगर आप एनपीएम यूज करना चाहते हैं तो फिर पूरी एप्लीकेशन आपको एनपीएम ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप यौन यूज करना चाहते हैं तो पूरी एप्लीकेशन आपको यौन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो अभी के लिए अभी भी ये जो वो टाइम मांग रहा है, ठीक है। तो अभी इसी तरह जो वो स्टाइल कंपोनेंट सही होते हैं, अगर आप जो वो मटेरियल जो है इमोशन के लिए भी यूज को जो वो यूज करते हैं, इसके इमोशन भी होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा ना। तो अगर आप जो वो स्टाइल कंपोनेंट्स आपको यूज करते हैं, ठीक है, तो अब हमें जो है ये भी जो है हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह रोबोटो क्या होता है, ये फॉन्ट साइज होता है ना बेसिकली ना, अगर आप मटेरियल यूआई का फॉन्ट साइज यूज करना चाहते हो तो इस तरह आप करेंगे, उसके बाद इसको इम्पोर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो फॉन्ट साइज यूज होगा। देखिए 300, 400, 500, 700 ये फॉन्ट साइज क्या है, मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में बताता रहूंगा। तो ये चीजें हैं फॉन्ट साइज के लिए, आपको ये लाजमी अब लिंक जो है वो एचटीएमएल पे अपलोड करना होगा, ठीक है। अभी अपलोड हो गया, मैं यहाँ पे जाऊंगा पहले इसको सीडी, सीडी मतलब कि वो उस फोल्डर में जाएगा, कौन से फोल्डर में, माई ऐप वाले में। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका पहले भी कि माई ऐप जो है हमारे जो है वो यहाँ पर है ना, इसके अंदर जो है हमारे जो है वो रिएक्ट है, तो हम माई ऐप में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। पेस्ट किया, ये वही वही वाली चीज़ें जो मैंने आपको कॉपी की थी, वरना आप यहाँ से वो जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जैसे कि ये फॉर ये आपने ले लिया यहाँ से, ठीक है। इसी उसके बाद आप ये इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाली चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको जो है इंटर करें आप, अब ये जो वो इंस्टॉल होगा, तो इसमें जो इमोशन वगैरह भी आ गया, रिएक्ट वगैरह सब कुछ जो है उसी में ये वो आ चुका है। तो अभी जो है वो ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं आपको जो है वो करके दिखाता हूँ, ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो आपको, तो आप इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करके चेक कराता हूँ, एनपीएम स्टार्ट कर लिखेंगे, अभी जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो है वो रन हो जाएगी। अच्छा सोर्स के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है फाइल्स वगैरह बने, इसको हम अभी हम डिलीट करेंगे ताकि हम आपको बता सकें। अच्छा कह रहा है ऐसा, क्योंकि मेरी पहली एप्लीकेशन चली हुई है 3000 पोर्ट पे ना, अभी कह रहा है भाई 3000 पोर्ट में चल नहीं सकते, क्योंकि मेरी पहली एप्लीकेशन मैं आपको करके भी दिखाया, पिछले वाली एप्लीकेशन मैंने ये बनाई है, देख रहे आप, ये 3000 पोर्ट में चल रही है। तो अभी वाली एप्लीकेशन 3000 पोर्ट में चलेगी, बगैर 3001 पोर्ट में ये चलेगी, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं किस हटाऊंगा, डेट जो है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐप डॉट सी एस को डिलीट करूंगा, ऐप डॉट टेस्ट को डिलीट करनी है हमें,
इंडेक्स डॉट सी एस एस को मैंने डिलीट करना है, इसी तरह लोगों को मैं डिलीट करना है, मुझे लोगों नहीं चाहिए, रिकॉर्ड वाला को डिलीट करना है तो रिकॉर्ड मुझे, सेटअप टेस्ट को डिलीट करना है, ठीक है ये एडिट हो गया। इंडेक्स डॉट जे एस में आएंगे, जो भी हमारे यहाँ पर फाइल जो हमने डिलीट की थी उसको मैं यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है इसको भी हम हटाएंगे, इसी तरह आखिर में इसको भी हम जो है वो हटा देंगे, अभी जो है वो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, वो ये क्यों एरर दे रहे हैं, हम जरा उसको देख लेते हैं। ऐप डॉट जे एस में, ऐप डॉट जे एस में जाते हैं हम, यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस लोगो मैंने डिलीट कर दिया तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीधा मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मैं आपको रिएक्ट एप्लीकेशन है बता दिए, काइंडली आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, तो इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, मैं यहाँ पर जो है वो जो कि मैं अपने एप्लीकेशन वगैरह खुद बना जा रहा हूँ, तो मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, फ्रेगमेंट बनाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नए बार चाहिए ना नए बार, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉम्पोनेंट्स लिखूंगा, ठीक है कॉम्पोनेंट्स बनाए मैंने यहाँ पर, ठीक है कैपिटल कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पर नया बार बनाना चाहते हो तो एन कैपिटल लाजमी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नए ये जो वो जावास्क्रिप्ट में है, ये सॉरी रिएक्ट में, तो जे एस एक्स यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल यूज करेंगे। इसके बाद हम जो आर एफ सी ई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कॉम्पोनेट है ये, तो मैं फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख दिया, ठीक है जी। उसको मैंने कॉपी किया इस तरह करके, अब मैं जो भी यहाँ पर जो है नया बार बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर उसके जो कोड है वगैरह वो यहाँ पर जो है पुश कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर नया बार का यहाँ पर नीचे यूं नीचे करें इसको, कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, बटन चाहिए आपको, चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो वाला चाहिए, जो आपको चाहिए यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो यहाँ पर ऐप बार होगा, नया बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐप बार है, और जैसे आप रूट सब यूज करें तो वहां पर नैव बार होता है, यहाँ पर जो है वो ऐप बार है, ठीक है इसको याद रखिएगा। तो आपको कौन सा चाहिए देखिएगा, मैं वो करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर, ये क्या चीज है, यहाँ पर देखिए जाएंगे तो ये सोर्स कोड है, क्या ये सोर्स कोड है, आपको जावास्क्रिप्ट में चाहिए जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट में चाहिए टाइप स्क्रिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है तो ये मिल गया मुझे सोर्स कोड सारा, ठीक है इसीलिए मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एडिट इन कोड सेंड बॉक्स, अब ये क्या मैं करके दिखाता हूँ जरा, अभी देखिएगा यहाँ पर मैं इसको अपने कोड को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुश भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है आउटपुट शो हो रहा होगा, देखिएगा आउटपुट शो हो रहा है, देख रहे हैं आप, मैंने ये क्लिक किया इसी तरह, यहाँ पर मैं इसको जाता हूँ इसको हटाता हूँ जरा, यूं किया देखिए, ये देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये कि ये क्या है, ये भी जो है वो उसमें हमारा मैं यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये जो है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, रेस्पॉन्सिव कौन सा होगा मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये वाला भी ये हम जो यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, अगर अगर बिलफर्ज अगर वो लॉगिन जो वो नहीं है, बिल फर्ज लॉगिन नहीं है तो फिर कुछ नहीं दिखेगा, अगर अगर लॉगिन हो गया फिर ये सब दिख जाएगा इस तरह ना, तो ये भी काफी जो है इंटरेस्टिंग है। इसी तरह अब ये ऐप बार विद रेस्पॉन्सिव मेन्यू, ठीक है ये रेस्पॉन्सिव मेन्यू के लिए यूज होता है, ठीक है रेस्पॉन्सिव है, आपको रेस्पॉन्सिव चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, इससे सर्च वाला ऑप्शन भी है। इसी तरह जो है वो नीचे वाला देखिए, ये यहाँ पर जो है वो ये स्ट्रिकी है ना, यहाँ पर नैब बार जो है वो बाकी जो नैब बार है वो जो है वो एक जगह जो है वो लड़के भी नहीं होते यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह देखिए, ये इसको देखिएगा आप, इसको कंटेंट नीचे हो रहा है लेकिन नैब बार पर जगह मौजूद है, ठीक है इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये आप सारा चीज आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जहाँ भी जाएंगे तो मैं आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं इसी तरह, यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो बॉटम है, यहाँ पर बॉटम है नैब बार है, देख रहे हैं आप बॉटम है नैब बार है, ऊपर नहीं है नैब बार, बॉटम में है, देख रहे हैं आप इसी तरह यहाँ पर सारा जो है वो लिखा हुआ है, इधर ये भी है देख रहे हैं आप, ये देखें थोड़ा सा पैर थोड़ा सा किया यहाँ पर सही रहा है, स्क्रॉल टू हाइड ऐप बार, ठीक है देखिए इसी तरह हो रहा है, इसको देख लेते हैं इसी तरह, ये भी इसी तरह है तकरीबन, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप जो देख सकते हैं इसी तरह, इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं ना आप ना, तो ये भी आप आसानी जो है वो कर सकते हैं, इसको किस तरह करना होता है क्या लिखना होता है ये मैं आपको जो है वो जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको जो है करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम जो है वो यूज करते हैं इसको। मैं सीधा जाऊंगा अपने रेस्पॉन्सिव जो है वो नए बार में जाऊंगा, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी किस तरह हम जो है वो उसको यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिव कौन सा ये वाला रेस्पॉन्सिव है, सीधा मैं जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एडिट वाला में, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ रेस्पॉन्सिव है ही नहीं, देखिएगा आउटपुट जरा ये जो है वो थोड़ा सा रन करेगा, ठीक है ये सारा कोड लिखा हुआ है, चाहे उसको कॉपी कर ले वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ये देखिएगा ये रेस्पॉन्सिव हो गया, ये देखें बीच में लोगो आ गया, देख रहे हैं आप, ये मोबाइल का है, ये मोबाइल के लिए होगा लेकिन ये नीचे आ रहा है, इसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आप सारा कुछ आ रहा है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, इसी तरह मैं बुक करके दिखाता हूँ किस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे सीधा,
जावास्क्रिप्ट में चाहिए तो जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट में चाहिए तो टाइपस्क्रिप्ट का होगा, मुझे जावास्क्रिप्ट में चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में ले लिया। सीधा मैंने किया यहाँ से कॉपी, अपना जो कंपोनेंट है यहाँ पर जाऊंगा उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अच्छा यहाँ पर जो है देखिए फंक्शन बना, यहाँ पर नया बार लिखा, मैं नाम लिखा, ठीक है, ये मटेरियल से जो कॉपी किया यहाँ पर जो वो पेस्ट कर दिया। अच्छा इसमें प्रॉब्लम के क्या है कि जब आप पेस्ट करेंगे तो हो सकता है जो वो एरर आ जाए, तो आपने क्या करना है सीधा जाकर यहाँ पर npm इंस्टॉल मटेरियल UI आइकन्स मटेरियल, इसको आपने जो है लाजमी जो है वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आप करेंगे उसके बाद जो है npm स्टार्ट करेंगे तो ये जो वो वहाँ जो वो रन कर जाएगा। अच्छा आप मुझे आपको बताना क्या है, बताना ये कि देखिएगा अभी नया बार आएगा, मैं आपको थोड़ा सा कर इसको करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम जो है वो उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा ये। अच्छा ये यस करना है मुझे, क्योंकि मुझे वेरीफाई जगह इम्पोर्ट हो रही है, यूज हो रही है, तो मुझे इसको जो वो करके दिखाना है। अब क्या है कि जैसा ये इसने जो वो यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है, अब ये ब्लॉग लिखा हुआ है प्राइसिंग के प्रोडक्ट। अब मटेरियल UI वालों ने क्या किया कि भाई जिस तरह हम HTML में लिखते हैं तो उसने उस तरह नहीं लिखा, इन्होंने क्या किया एक एरे बनाया उसके अंदर लिख दिया ये पेजेस का, ठीक है, और सेटिंग वाला जो नेम है ना सारा वो यहाँ पर लिख दिया। सेटिंग वाला नेम कौन सा है ये देखिए, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग वाला नेम पे आ जाएगा, ठीक है देखने आप, तो ये आ गया। तो इस तरह जो है वो आप जो वो कर सकते हैं, ये नया बार है, उसको चेंज करना था चेंज भी आप जो वो कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।